दोस्तों, अगर किसी रूम में हमें टाइल्स लगानी है तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि उस रूम में टाइल्स लगाने पर टोटल कितना पेटी टाइल्स लग जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि टाइल्स इंस्टॉलिंग रेट 12 फीट बाई 12 फीट रूम, यानी कि 12 फीट बाई 12 फीट के रूम में टाइल्स लगाने पर टोटल कितने रुपये की टाइल्स लग जाएगी, कितने पेटी लग जाएगी, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा आप देख लेंगे तो आपको किसी भी रूम में कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्स लगाने से पहले ही आप निकाल कर एक रबर लिख कर दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम रूम एरिया की बात करें तो यहाँ पर रूम का जो एरिया है वो 12 फीट बाई 12 फीट है। आप देख सकते हैं कि ये 12 फीट बाई 12 फीट का रूम यहाँ पर बना हुआ है। इसी रूम के फर्श पर हमें टाइल्स लगानी है, तो कितना पेटी टाइल्स लगेगा यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, रूम की लंबाई इंटू रूम की चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रूम की लंबाई यहाँ पर 12 फीट है और रूम की चौड़ाई भी यहाँ पर 12 फीट है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। तो दोनों का गुणा करने के बाद 144 स्क्वायर फीट आएगा, यानी कि 144 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। रूम का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइल्स का एरिया निकालना है। तो टाइल्स का एरिया भी निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि हम रूम में ये वाली टाइल्स का उपयोग करेंगे। यदि हम इसके साइज की बात करें तो ये 2 फीट बाई 2 फीट की है, और आप जिस साइज के टाइल्स का उपयोग कर रहे हैं आप उसी का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो 2 फीट बाई 2 फीट का गुणा करने के बाद 4 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि इस टाइल्स का जो टोटल एरिया है वो 4 स्क्वायर फीट है। तो टाइल्स का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि जो टाइल्स आप ले रहे हैं उसकी एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम ए वाली टाइल्स ले रहे हैं और इसकी एक पेटी में टोटल 4 टाइल्स हैं, और एक टाइल्स का जो साइज है वो 2 फीट बाई 2 फीट है। तो टोटल इस पेटी में 4 टाइल्स हैं, तो हमने 4 टाइल्स लिख लिया। पेटी में कितनी टाइल्स है यह काउंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइल्स रिक्वायर, यानी कि रूम में टोटल कितनी टाइल्स लगेगी, यह आपको निकालना है। तो रूम में कितनी टाइल्स लगेगी इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है RA/1TA। RA का मतलब रूम का एरिया, जो कि हमने यहां पर आगे निकाला हुआ था, डिवाइड बाई, यानी कि भाग देना है 1TA, 1 टाइल्स के एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने रूम का एरिया निकाला है और 1 टाइल्स का भी एरिया निकाला है। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले RA यानी कि रूम का एरिया आप देख सकते हैं कि 144 स्क्वायर फीट है, तो हमने 144 यहाँ पर लिख दिया। डिवाइड बाई 1TA यानी कि 1 टाइल्स का एरिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 टाइल्स का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर फीट है, तो हमने यहाँ पर 4 से भाग दे दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 36 टाइल्स आई, यानी कि यदि आप 12 फीट बाई 12 फीट के रूम में 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स लगाएंगे तो टोटल 36 यानी कि 36 टाइल्स लग जाएगी। तो टाइल्स की संख्या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ पेटी, यानी कि 36 टाइल्स को पेटी में कन्वर्ट करना है। तो टाइल्स को पेटी में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि टोटल कितनी टाइल्स लग रही है रूम में, डिवाइड बाई 1 नंबर ऑफ टाइल्स इन 1 पेटी, यानी कि जो आप टाइल्स खरीद रहे हैं उसकी एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रूम में टोटल 36 टाइल्स से लग रही हैं, डिवाइड बाई हम जो टाइल्स खरीद रहे हैं उसकी एक पेटी में 4 टाइल्स हैं, तो 4 से हम भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेटी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 9 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 पेटी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। बट आप देख सकते हैं कि टाइल्स को लगाते समय कुछ इस तरीके से टाइल्स की कटिंग करके लगाना पड़ता है, तो ऐसे में हम 10% एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, यानी कि जितनी टाइल्स की आपको ज़रूरत है उससे आप 10% ज़्यादा टाइल्स लेंगे, जिससे टाइल्स में कितनी भी कटिंग हो बट आपकी टाइल्स कम ना पड़े। तो 9 पेटी का यदि आप 10% निकालेंगे तो लगभग अप्रॉक्स 1 पेटी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 पेटी टाइल्स बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 1 पेटी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपको खुली पेटी नहीं मिलेगी, इसलिए टोटल हम 10 पेटी खरीद लेंगे। तो टोटल हम 10 पेटी टाइल्स खरीद लेंगे तो हमारे 12 फीट बाई 12 फीट के रूम में टाइल्स लगाने पर टाइल्स कम नहीं पड़ेगी। पेटी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल कास्ट निकालना है, यानी कि टोटल कितने रुपए की टाइल्स लग जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 10 पेटी टाइल्स लग रही है और एक पेटी हमें 750 रुपये की ये वाली मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये 2 फीट बाई 2 फीट की इसमें टाइल्स हैं, टोटल 4 टाइल्स हैं, ठीक है। ये हमें 700 रुपये की एक
सॉरी 750 रुपये की एक पेटी मिल रही है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 750 रुपये से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपए लग जाएगा टाइल्स पर। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7,500 रुपये आ गया, यानी कि 7,500 रुपये का खर्च हो गया केवल टाइल्स खरीदने में। तो इसी तरीके से आप किसी भी रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स को लगाने से पहले कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि आप कैलकुलेट करके हमें बताइए 20 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी टाइल्स लगेगी, जबकि टाइल्स का जो साइज है वो 2 फीट बाई 2 फीट है और इसके साथ साथ एक पेटी में 4 टाइल्स हैं, ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेट करके बताइए कि टोटल कितनी पेटी टाइल्स लग जाएगी 20 फीट बाई 10 फीट के रूम में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का, अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद दोस्तों।